हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 14 फरवरी से शुरू हो चुका है। बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर वित्त मंत्री 17 फरवरी को अपने बजट के अनुमानों को प्रस्तुत करने जा रही हैं। यह मुख्यमंत्री का दूसरा बजट होगा, जिसको लेकर सोलन शहर में भी सरकार के प्रति काफी उम्मीदें देखी जा रही हैं। इस दौरान शहर के व्यापारियों ने कहा कि उन्हें पूर्ण उम्मीद है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार उन्हें मायूस नहीं करेगी और हर वर्ग का संतुलित विकास करने में बजट में प्रावधान रखेगी। देखो, बजट एक आम आदमी के लिए रिलीफ होना चाहिए। देयर शुड बी सम प्रोविजन जिससे एक आम आदमी का जीवन बढ़िया चले। जैसे पीछे लैंडस्लाइड्स हुए हैं काफ़ी सारे, अभी तक गवर्नमेंट से सड़कें नहीं बन पाई हैं, और प्रोविजंस भी ऐसे होने चाहिए जिनमें लोगों को सहूलियत होनी चाहिए। ये OPS देने से या कोई और चीज़ देने से कोई सब कुछ सहूलियत नहीं होती। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो OPS के जिनका टॉपिक ही नहीं, जिनका कोई लेना देना नहीं है। तो सरकार को एजुकेशन को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, रेलवेज को लेके और कई मैटर्स को लेके सोचना चाहिए और एक अच्छा आउटपुट बजट देना चाहिए। व्यापारी क्या उम्मीद रख रहा है बजट से? व्यापारी के लिए तो बजट, हिमाचल सरकार को ऐसा बजट खास देती नहीं है। बाकी कोई रिलीफ देगी तो बहुत बढ़िया है, अगर अभी तक तो ऐसा कोई रिलीफ मिला नहीं है, अगर कोई दे देंगे तो थैंक्स करेंगे हम इनका। बजट आ रहा है तो किस तरह की उम्मीद आप बजट से रखते हैं? व्यापारी वर्ग यही चाहता है कि किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति से मेरा अभिप्राय यह है कि इंस्पेक्टर शाही वाला राज ना हो और दुकानदारों को कोई भी इंस्पेक्टर आगे तंग ना करे। और जिस प्रकार से आजकल महंगाई बढ़ रही है, उसके समाधान के लिए भी कोई इसके अंदर प्रावधान होना चाहिए ताकि जो महंगाई है उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल हो सके। शिक्षा और बात करें स्वास्थ्य को लेकर, स्वास्थ्य के विषय में तो हमारी सरकार बहुत अग्रसर है इस काम को करने के लिए, और ये जो काम है ठीक तौर पर चल रहा है। हिमाचल का ही उदाहरण लीजिए, हिमाचल में बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है जिसके लिए कल ही सरकार ने 3.5 करोड़ रुपया मंजूर किया। शिक्षा का स्तर हिमाचल में लगभग ठीक चल रहा है, लेकिन कुछ हद तक ऐसा होना चाहिए कि जो हमारी बेटियां हैं उनकी शिक्षा तो ठीक है कि स्कूल में कोई फीस वगैरह चार्ज नहीं होती उनसे, और यूनिफॉर्म भी उनको देते हैं। फिर थोड़ा सा जो अध्यापक वर्ग है इनको थोड़ा सा तेज करना चाहिए कि ताकि वो इंग्लिश मीडियम के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का थोड़ा अपना कोशिश करें, क्योंकि आजकल जो रुझान चला हुआ है बच्चों को पढ़ाने का वो ये चला हुआ है कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को दाखिल करवा दो, वहाँ पर एजुकेशन अच्छी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, हम सब लोग इतने आयु हमारी हो गई है, हमने जो एजुकेशन ली गवर्नमेंट स्कूलों से ली और वहाँ पर अच्छे प्रकार से शिक्षा हमें दी गई। अभी भी हम ऐसा आशा करते हैं और इसे उम्मीद करते हैं सरकार से कि ऐसे अपने जो अध्यापक वर्ग जो है इनको इस तरीके से ट्रेंड किया जाए ताकि ये बच्चों को इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाएं और हिंदी में तो पढ़ाते ही हैं। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के बजट को लेकर प्रदेशवासियों ने काफी उम्मीदें जताई हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि प्रदेश सरकार का ये बजट लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट।